लोक सेवा न्यूज में आपका स्वागत है। संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस देश में अपना व्यापक असर दिखा रहा है। अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,363 पहुंच गई है, जबकि 339 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कोरोना से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को अपने संबोधन में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि गरीबों को 3 महीने तक 5 किलो फ्री राशन दिया जाएगा। राशन की आपूर्ति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। मजदूरों की दिक्कतें दूर करने के लिए शिकायत केंद्र है। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICMR ने कहा, कल हमने बताया कि हमारे पास किट हैं जो 6 सप्ताह तक चल सकती हैं। हमें RT-PCR किट के लिए एक और किस्त मिली है जो संख्या में पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त हम RT-PCR के लिए सभी 33 लाख किट के करीब ऑर्डर कर रहे हैं और 37 लाख रैपिड किट के किसी भी समय आने की उम्मीद। वही टेस्टिंग को लेकर ICMR ने कहा, अब तक 2,31,902 टेस्ट किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 119 मरीज इलाज से ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटे में 1,211 केस सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी किया जाएगा। अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने देशवासियों से 7 बातों के लिए साथ मांगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वो मेरा परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक
उनका गौरव करें। साथियों, इन सात बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाला यह काम है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने एक बार फिर कोरोना टेस्ट की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने कोरोना टेस्ट किटों की खरीद में देरी की। वहीं प्रियंका ने योगी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में जाँच का सिस्टम अभी भी बहुत ही लचर है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा, भारत में कोरोना टेस्ट किटों की खरीद में देरी की और अब भी यह काफी मात्रा में नहीं है। प्रति मिलियन यानी 10 लाख भारतीयों में टेस्ट की संख्या मात्र 149 है। ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट के जरिए ही इस खतरनाक वायरस से लड़ा जा सकता है। वर्तमान में हम इस खेल में कहीं भी नहीं हैं, ऐसा कहना था राहुल गांधी का। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों से घरों में रहने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से कुछ ही समय पहले सोनिया ने अपने वीडियो संदेश में इस संकट के समय लोगों को अपनी पार्टी की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पुनः आश्वस्त करता हूं कि देश में अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है, इसीलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही संपन्न लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आगे आकर आसपास रहने वाले गरीबों की सहायता करें। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है। वहीं जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की लंबी लड़ाई के दूसरे पड़ाव के लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। आगरा में लागू योगी मॉडल को मिल रही प्रशंसा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 बेहद सख्ती से लागू करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश की लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की कार्यवाही को 3 मई तक बढ़ाया है। उनका यह फैसला भारत की 130 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य व सुरक्षित भविष्य के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं हमारे मथुरा ब्यूरो चीफ आचार्य वागीश नंदन ने एक तस्वीर भेजी जिसे देखने के बाद आप उत्साह से भर जाएंगे। परमारथ के काज सो साधुन धरा शरीर। वृंदावन से आई तस्वीर जिसमें एक साधु भजन के साथ कोरोना जैसी महामारी में लोक सेवा के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहा है। इस चित्र को देखकर लगता है कि यह चित्र साधु संत शब्द का पूर्ण चित्रण कर रहा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामियों ने पुलिस व सैनिटाइजर टीम पर फूलों की बरसा की। मंदिर प्रबंधन के अलावा कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्रशासन द्वारा भी मंदिरों के आसपास विशेष स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ब्रिज की जनता द्वारा भी पुलिस पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह वर्धन लगभग रोज ही किया जा रहा है। वहीं मथुरा में एक और कोरोना का मामला सामने आया है। नैति हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 25 लोगों की रिपोर्ट आई थी जिसमें 24 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव रही, लेकिन नैति हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसे मिलाने के बाद मथुरा में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5 हो गई है। वहीं रास बिहारी परिकर द्वारा वृंदावन में खाद्य सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है। बताते चले, रास बिहारी परिकर सैकड़ों वर्षों से देश विदेश में श्री कृष्ण लीलाओं का बड़ा मंच रहा है।